चुकाया जिन्नी देर इतने बीजेपी की सरकार नहीं आती उन्नी देर जिता के आप भेजिए जिदे वो जी इत इंडस्ट्री आए जी। अज दूसरी मीटिंग जिहड़ी हैगी आ बीजेपी दी तुहाडी अगवाई च होई आ, लोक सभा चोणां नूं तैयारी हो रही आ, किस तरह देखदे आ? बहुत पॉजिटिवली प्रभु श्री राम दे चरणां च पहला असीं नमस्कार करदे आ, जिहड़ा उहनां दा एड्डा वड्डा पर्व मनाउण दा सानूं कल्ली बीजेपी दे नाम ते जिहड़ा लोकां ने इक टैग लाया कि बीजेपी ही मना रही है, पहला तां इहनूं खारिज करदे आ असीं कि जिहड़ा उहनां ने इस गल नूं पोलिटिकली जोड़िया। और उस तों पहलां असीं प्रभु श्री राम दे चरणां च नमन करदे होए इक वारी जय श्री राम, जय श्री राम, तो असी ये मैसेज बीजेपी के थ्रू कह सकते हैं क्योंकि बीजेपी का असी नुमाइंदगी कर रहे हैं सारे। बट ये जिहड़ा मैसेज इस वेले प्रभु श्री राम का अयोध्या धाम तो चल रहा, वह घर घर तक हर एक बंदे जिन्हां जिन्हां के घर तक असी अयोध्या जी तो आए अक्षत वितरण कराए है, हर एक ने सानू चाह के जी आया किया, साडा सत्कार किया, जिन्ना असी सोच नहीं सकते साडा उन्ना सत्कार होया, उन्होंने साडे ते फुल वर्खा की, साडियां आरतियां की गई, जिहड़े जिहड़े भी घर च असी पहुंचे उहदे च किसे ने कोई कम्यूनिटी का सवाल नहीं किया, किहड़े वर्ग तो आए हैं, किहड़े वर्ग च जा रहे हैं, कोई इदां दी सवाल नहीं सीगा, सिर्फ और सिर्फ प्रभु श्री राम में ही होया पिया जिहड़ा सानू देखण नू मिल रहा सारा हिंदुस्तान, और इदां दा असीं कदे नज़ारा कदे देखिया नहीं। लोग जिन्ना चाह गए इस उत्सव नू मनाउण दी तैयारी कर रहे हैं, और मैनू लगता कि ये जिहड़ी आपां दिवाली का त्यौहार है वह भी इस बार तुहानू देखण नू मिलेगा कि दूसरी दिवाली नहीं है, जिंदगी दी साडी लाइफ दे विच पहली दिवाली इदां दी होनी है, एक एक घर रोशन, एक एक जगह रोशन, एक एक सड़क, एक एक नुक्कड़ रोशन हुई मिलेगी, पूरा राममई होया मिलेगा तुहानू, हिंदुस्तान ही नहीं हिंदुस्तान तो बाहर वर्ल्ड दे नक्शे ते तुसीं जिहदा लाइटनिंग दिसदी हुंदी तां दुनिया दे नक्शे ते दिसूगा श्री राम जी दा अयोध्या धाम तो जिहड़ा लाइव होना। सर अज मंडल दा जिहड़ा तुहाडी जिहड़ी टीम उहदा विस्तार कीता गया सर, उस विस्तार लई मैं तुहानू इत्थों गल शुरू करन लग्गा जी। अज असीं मंडल दी फॉर्मेशन जिहदा मंडल दा होर तरीके नाल इहनू वधाउण दा असीं एक नवा सोर्स, एक होर जिहड़ा पार्टी दा एजेंडा जिहड़ा प्रोटोकॉल हुंदा उहनू फॉलो करदे होए नवीआं नियुक्तियां कीतियां, कुछ फेर बदल कीते आ, कोई भी साडा भरा असीं उहनू इदां नहीं लै रहे कि इहनू इधरों कढ के तां उहनू घर बिठा दईए, उहनां नूं असीं जिहड़े घर जिन्हां दे मन दे विच कोई शंका सीगियां जां उहनां दी कोई ट्यूनिंग नहीं बैठदी पई सी वह किसी वजह नाल आपसी सीगियां, बट वह सानू जिदा पिछले एक डेढ़ महीने तो दो महीनों तो यह सुनने आ रहा है कि असी नरेंद्र भाई मोदी जी की अगवाई हेठ, सुनील जाखड़ जी की अगवाई हेठ, जेपी नड्डा जी की अगवाई हेठ रल के काम करना चाहते हैं, और सारिया ने किसी ने अहदे की कोई भी डिमांड नहीं की, सारियां असी जिन्नी भी नियुक्तियां की सब सर्वसम्मति दे नाल कीतियां, नगोदर मंडल प्रधान श्री अजय बजाज जी नूं लगाया, नूरमहल तो सैक्रेटरी असी मिस्टर मनु भारद्वाज जिन्हां दा पूरा नेम है मुकेश भारद्वाज, असी कहने तो मनु भारद्वाज जी हैं, तो इदा कुणाल जोशी जी है, इन्होंने भी बड़ी वड्डी इस वेले वाइस प्रेजिडेंटशिप लई असीं इन्हां नूं नियुक्त किया, एस सी मोर्चे च भी गए, ओबीसी मोर्चे दे विच भी नियुक्ति हुई है बली थिंद जी नूं, सो इदा असीं नियुक्तियां तां अज कीतियां, उन्हां दा सानूं चंगा लग रहा कि बहुत इन्हां नूं एक उत्साह मिलिया कि जिन्हां दे नाल एक जिम्मेवारी मिली है, जिम्मेवारी दे नाम ते एक अहुदा तां दित्ता जाणा बट उहदा असली उहदी परिभाषा जिम्मेवारी है, और सारे साडे भरावां ने जिम्मेवारी नूं तह दिल नाल निभाउण दा मैनूं इक आश्वासन दित्ता, और मैं इन्हां तों इही उम्मीद करदा कि इस जिहड़ा नकोदर मंडल नूं असी शाहकोट मंडल नूं इन्हां दोनों साडे जिहड़े हल्के कहाए जांदे आ जिदा इन्हां दा जिहड़ा सारा दिन तो ज़्यादा दरमदार जिहड़ा हुंदा साडे यूथ ते भी हुंदा, जिहदे नाल साडे शैफी जी अरविंद चावला जी ये भी बड़ा बखूबी निभाउंदे आ, इन्हां दे मोढ़ियां ते भी होर भार पै रहा, जिम्मेवारी वध रही है, और सो असी इन्हां दे सारे भरावां दी जिम्मेवारी दे नाल इन्हां सारिआं दा मार्गदर्शन कीता, साडे जिहड़े एक्स प्रधान साडे पंकज ढींगरा जी ने उन्हां ने साडी एक ग्राउंड बना के रखी, उहदे ते एक सोहणा फुल्लां वाली सोहणा पेड़ लगा के रखिआ जिहनूं फल लैण दा टाइम आ रिहा, यह सारा जिहड़ा असल दे विच बूटा लग्गा होइआ साडे जिहड़े वाजपेई साहब का, मोदी जी का, अडवाणी जी का, सारी सीनियर लीडरशिप, सो यह जिहड़ी जिहड़े बूटे लगे हुए हुण फल खाण दा टाइम अगले साडे को 2024 तो रिजल्ट तो बाद तुहाडे सारिआं दे सामने आऊगा, बड़ा फलदाई पेड़ है, यह सिर्फ सुखावां टाइम आवे और सारिआं दे साडी यूनिटी दे नाल आएगा, परमात्मा अगे अरदास करदे हां तुहाडे भरावां दे माध्यम दे राहीं
थोड़े चैनलों के माध्यम के राही असं पब्लिक नूं अपील करते हैं 2024 दे विच रल के हमला मारीए और मोदी जी नूं मजबूती दे नाल जित तय है मजबूती दे नाल वध तो वध सीट शेयर दे नाल असीं उन्हां नूं एक बार 2024 तो बाद लोकसभा दे विच फिर पीएम बनाईए। बहुत बहुत शुक्रिया तुहाडी सारी सर। विकसित संकल्प यात्रा दे जिहड़े सरकारी कर्मचारी नाल चलदे सीगे वैनां दे ओह भागी गल है कि पंजाब सरकार ने इदां दा उपराला कीता। सेंटर गवर्नमेंट कल्ली बीजेपी की नहीं पूरे हिंदुस्तान की सारे वर्ग का सोचती है हर एक बंदे नूं लाभार्थी बनाना चाहती है। उन्होंने कभी यह सोच के नहीं कोई भी काम किया या सड़क का या आवास योजना का या आयुष्मान योजना का या लोन लैन का या हैल्थ का या एजुकेशन का कोई भी इदा का सोर्स उन्होंने नहीं बनाया कि बीजेपी के टैगलाइन के अंडर ही होगा। कल उन्होंने कहा हर वर्ग तक पहुंचे ये चीज़ पंजाब सरकार भगवंत मान सरकार उन्होंने इस गल नूं टिच साबित करा लिया अपने आप नूं कि असी जिहड़े गरीब हितैषी कहिंदे सीगे जिहड़ी गरीबां तक या किसी भी लेमैन तक वो जिहड़ी सुविधा पहुंचदी सी उन्होंने वैनां नूं खदेड़ के अज भी सानूं शंकर मंडल तो भी एक सुनन नूं आया टाली दे विच उन्होंने इदां दा कारगारा कीता कि उन्होंने वैनां नूं दौड़ा दिता। उत्थों पहलां तां उन्होंने सारे जिन्ने उहदे अंदर सरकारी जिहड़े साडे सेवादार दे रूप दे विच सारे बंदे आंदे सीगे टीम बना के और सारियां नूं उन्हां दे आन तों मना किया गया। हुण इहदे पिछे की कारण बन रहा उन्हां दा जां तां उन्हां नूं एक हतोत्साहत दिस रही है जां उन्हां नूं अपनी एक निगलेंसी दिस रही है कि जिथे उह फेल हो रही सरकार है पंजाब सरकार हर मुद्दे ते हर पक्ष ते फेल हुंदी नज़र आ रही है और सेंटर गवर्नमेंट डायरैक्टली एक लेमैन तक पहुँच गई डायरैक्टली ਉਹਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਮਨੀਸ਼ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇਹ ਬੜੀ ਨਲੈਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸੀਐਮ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਰੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣ ਹੀ ਆਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ 1500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਅੱਜ 4,3800 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੋਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੋਣੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਇੱਕ ਫਰੋਡ ਹੈ ਸਭ ਇੱਕ ਬਲਫ ਹੈ ਉਹ ਬਲਫ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਬਜਾਜ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੱਜ ਮਿਲੀ ਆ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਕੋਦਰ ਦੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਧੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਹਿ ਦਿਨ ਨਾਲ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ 100% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਰਹੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਧ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਲਿਆਈਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ ਸਭ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਲੋ 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਬੀਜੇਪੀ ਇਕੱਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੂਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।